नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीसी का ऑनलाइन लाइव एग्जाम कैसे देंगे, टीसी का फाइनल एग्जाम कैसे देंगे, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। यदि आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना। यदि आप टीसी का लाइव एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। सबसे पहले आपको टीसी की वेबसाइट पर जाकर के आपको टीसी में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टीसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको असेसमेंट कंप्लीटेड ट्रेंड देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए असेसमेंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी असेसमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बारी बारी से सभी असेसमेंट को कंप्लीट कर लेना है। जैसे दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है, नीचे आपको टीसी एग्जाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ गया। यहाँ पर देखिए आपको अटेम्प्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज आपके सामने खुल करके आ गया, तो यहाँ पर आपको वेट करना है। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको माइक को अलाउ देना होगा। यहाँ पर देख पा रहे स्क्रीन में एलाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन में स्टेप 1, 2, 3 देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टेप 1 में देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके सीएससी ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ओपन लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेट करना होगा, प्रतीक्षा करना होगा जब तक आगे का प्रोसेस नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम वेट करेंगे जब तक आगे का प्रोसेस होता है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना इमेज को कैप्चर करना होगा, कैमरा में सही तरीके से बैठना, क्लिक योर इमेज पर आपको क्लिक करके अपना इमेज को कैप्चर करना है। यहाँ पर साइड में आपको डॉस और डॉट दिया हुआ, देखिए डॉस में जैसे दिया हुआ उस प्रकार से आपको अपना इमेज को कैप्चर करना है। कैप्चर करने के लिए क्लिक योर इमेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका इमेज कैप्चर हो जाएगा, और कैप्चर होने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपना इमेज को कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा इमेज कैप्चर हो चुका है, स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड को कैप्चर करना होगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको डॉस और डॉट दिया हुआ स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे। डॉस में दोस्तों जैसे दिया हुआ उसी प्रकार से आपको क्लिक और आईडी कार्ड इमेज पर क्लिक करके आपको कैप्चर करना होगा। कैप्चर करने के लिए कैमरा में आपको अपना आधार कार्ड को दिखाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड को कैमरा में दिखा करके क्लिक योर आईडी कार्ड इमेज पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक योर आईडी कार्ड इमेज पर क्लिक करते ही यहां पर आपका आधार कार्ड कैप्चर हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड कैप्चर हो जाएगा, जो कि यहां पर स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका आईडी कार्ड और आधार कार्ड दोनों अप्रूवल में चला जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे दोनों ये वेटिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर आपको अप्रूव होने तक का वेट करना होगा। ये नीचे आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक आपका इमेज और आईडी कार्ड अप्रूव नहीं हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं अप्रूव होने तक का वेट करता हूँ। यहाँ पर मेरा आईडी कार्ड और इमेज दोनों अप्रूव हो चुका है, स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे। नीचे आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसमें आपको सेकंड चलता हुआ देखने को मिलेगा। चाहे तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड समाप्त होने तक का वेट कर सकते हैं। जैसे सेकंड समाप्त होगा आगे का प्रोसेस हो जाएगा, चाहे तो आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिलेगा, उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद स्टार्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा और आपका लाइव एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद वेट करता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर मेरा लाइव एग्जाम स्टार्ट हो चुका और यहाँ पर दोस्तों मैं लाइव भी हूँ, स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में, और स्क्रीन में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। कैमरा में आपको इधर उधर नहीं करना है और वहां पर आपके आसपास शोरगुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एग्जाम हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। लाइव एग्जाम का पहला प्रश्न है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है? तो ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं? फॉल्स पर टिक करके नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, उद्यमिता एक स्थापित फर्म से अलग नहीं है? तो यहाँ पर आपको फॉल्स पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक उद्यमी नहीं है? तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, सफल उद्यमिता को अक्सर डैश लोगों के कौशल और श्रम की आवश्यकता होती है? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक। उसके बाद नेक्स्ट, अगला है, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है? ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि को संबंधित जोखिम को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है? ट्रू पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है? धीरज, पहला ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, क्या उद्यमिता रोजगार पैदा करती है? तो हाँ, यह करती है, पहला ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट। अगला है, सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण डैश डैश या एक डैश प्रौद्योगिकी से आते हैं जिसका किसी उद्योग में एक महत्वपूर्ण मान के लिए राजनीतिक मूल्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए क्या कारक है कि एक विचार एक अवसर है या बाजार के संबंध में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन पे टिक करके नेक्स्ट कर देना। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रहा है और एक भी खोलना चाहता है। उसने एक को खोला लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया, क्यों कर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दोनों सही है, पहला और दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं? इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए? ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट। अगला, मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए विभिन्न अवसर है कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, चौथा ऑप्शन पे टिक करके नेक्स्ट। अगला, इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक आदि जैसी सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अधिक या महत्वपूर्ण है? ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, P&L स्टेटमेंट पर सभी व्यय समाप्त हो चुकी लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बैलेंस शीट पर प्रतिनिधियों अनपेक्षित लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं? फॉल्स पर टिक करके नेक्स्ट कर देना। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इस वीडियो में दोस्तों आपको अंत तक बने रहना है, इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देख करके आप TC लाइव एग्जाम को पास भी कर सकते हैं। तो अंत में आपको एग्जाम सबमिट होने के बाद आपको TC का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में, आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है।
यहाँ पर दोस्तों मैं 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर को टिक कर दिया, स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कॉर्नर में आपको एंड टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यस सबमिटेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका एग्जाम यहाँ पर सबमिट होगा, तो यहाँ पर आपको प्रतीक्षा करना है, वेट करना है जब तक एग्जाम आपका सबमिट नहीं हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मेरा एग्जाम सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और उसके बाद दोस्तों आपको ऑटोमेटिक बैक ले जाएगा। उसके बाद फिर से आपको अपना ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद आपका ब्राउजर ऑटोमेटिक ओपन होगा। यदि ओपन नहीं होता तो आपको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद उसी पेज पर ले जाएगा जिस पेज पर आप एग्जाम दे रहे थे। उसके बाद उस पेज को आपको कट कर देना और एक नया पेज ले लेना है। तो यहाँ पर मैं उस पेज को कट कर लेता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ और TC पर आपको लॉग इन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको लॉग इन करके और सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं TC में लॉगिन कर लिया, स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए साइड में डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को देख करके आप बड़ी आसानी से TC का सर्टिफिकेट पा सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं और CSE ID को ले सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना और कुछ नहीं। यदि आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।